Sairam children, today we are going to do Hindi revision. Chapter 1st Kakku, Chapter 2 Shekhi Baz Makki and Vyakaran Chapter 1st Bhasha. These three chapters we are going to revise. In this we are going to do multiple choice questions, and that you have to do in your fair notebook, and that you have to learn also. So children, let's start with our revision. These questions what I will give you, you have to do in your fair notebook. There should be no confusion regarding that, and that you have to learn also for your exam, that what type of questions will come for your exam. Okay, so let's start with our revision. क्वेश्चन फर्स्ट, कक्कू दिन भर क्या करता है? कक्कू दिन भर क्या करता है? सोता है, रोता है, घूमता है? यू विल गेट ऑप्शंस इन ऑल द क्वेश्चंस. ओके, यू विल गेट 20 क्वेश्चन ऑनलाइन. ओके, इन दैट यू विल गेट अ ऑप्शन. यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, ए बी सी और ए बी, क ख ग और क ख. Understood? Like this you will get a option and you have to tick your right answer. So kakku din bhar kya karta hai? Sota hai, rota hai ya ghoomta hai? I hope this is clear to you. Kakku din bhar rota hai, kakku din bhar rota hai. So you will tick in the kha part, rota hai. कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी होती है, कड़वी होती है या अच्छी होती है? कोयल की बोली कड़वी होती है, मीठी होती है या अच्छी होती है? सो योर आंसर इज मीठी. आपको अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है ख, ख आपका करेक्ट आंसर है, तो आप ख पार्ट को चूज करेंगे. ओके, यू विल गेट थ्री ऑप्शन और टू ऑप्शन. सो सेम वे लाइक योर सेकेंड क्वेश्चन, यू आर हैविंग थ्री ऑप्शंस, यू विल सिलेक्ट द राइट आंसर, लाइक क इज योर करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कक्कू से टिटोली करने पर वह क्या करता है? भड़कता है, हंसता है या प्रसन्न होता है? क्या होता था कक्कू से जब ठिठोली का क्या मतलब था? अगर थोड़ा सा भी उससे मजाक किया जाता है तो वो क्या करता था? भड़कता है. तो वो क्या करता था? भड़कता है. कक्कू को लोग किस किस नाम से पुकारते हैं? किस किस नाम से पुकारते हैं? ओके, इन दिस इट इज पुकारते, नॉट पुकारता. कक्कू को लोग किस किस नाम से पुकारते हैं? आपके ऑप्शंस हैं क, गप्पू, गप्पू मक, कक्कू, सक्कू, मक्का, झक्कू, इनमें से कोई नहीं. कक्कू को लोग किन किन नाम से पुकारते थे? सक्कू और झक्कू, सक्कू, झक्कू और ये वाला ऑप्शन है बच्चों आपका भक्कू. भक्कू के नाम से भी पुकारते थे उसको. ख आपका करेक्ट आंसर है, सक्कू, भक्कू और झक्कू, ये आपके आंसर है. और जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ख पर. कक्कू अच्छा गाता है, सही या गलत? कक्कू कैसा गाता था? कक्कू अच्छा गाता था? नहीं, कक्कू अच्छा नहीं गाता था. तो ये हमारा क्या है? गलत. तो आप किस पे टिक करेंगे? ख पे. गलत, ये हमारा गलत है. कक्कू बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाता था. आपको ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर ऐसे टिक करना अपना ऑप्शन सेलेक्ट करने के. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रश्न नंबर
छः, कक्कू झगड़ालू लड़का है। कक्कू झगड़ालू लड़का है, सही या गलत? सही। जंगल में कौन आराम कर रहा था, लोमड़ी शेर या हाथी? यस, योर आंसर इज शेर। शेर आराम कर रहा था जंगल में, तो आपका आंसर है ख पार्ट। आपका आंसर है ख पार्ट, ख, और ये वाला आपका क्या आंसर है? ग। ओके, तो आपका आंसर है ख, ख आपका करेक्ट आंसर है, शेर। एट, हाथी ने किसको प्रणाम किया? हाथी ने किसको प्रणाम किया? हाथी ने शेर को प्रणाम किया, लोमड़ी को प्रणाम किया या मक्खी को प्रणाम किया? शेर ने क पार्ट है आपका शेर को, ख पार्ट है आपका लोमड़ी को, और ग पार्ट है आपका मक्खी को। तो हाथी ने किसको प्रणाम करा था? मक्खी को। आपका आंसर है मक्खी को। ओके चिल्ड्रन, जाला किसने बनाया था? मकड़ी ने, मक्खी ने या लोमड़ी ने? जाला कौन बनाता है, लोमड़ी या मक्खी या मकड़ी? यस, योर आंसर इज करेक्ट, मकड़ी ने। किसने जाला बनाया था? मकड़ी ने। जाला किसने बनाया था? मकड़ी ने। ओके, नाउ योर नेक्स्ट, मक्खी को, मक्खी को जाल में किसने फंसाया था? हाथी ने, शेर ने या लोमड़ी ने? किसने फंसाया था? यस, मक्खी को जाल में किसने फंसाया था? लोमड़ी ने। किसने फंसाया था? लोमड़ी ने। तो आपका कौन सा? ग करेक्ट है। ओके, लोमड़ी ने फंसाया था मक्खी को, उससे वो मीठी मीठी बातें करती है और उसके बाद कहती है कि वो तो आपको ऐसे बोल रही थी और आप उसकी ज़रा खबर लीजिए। तो लोमड़ी ने फंसाया था मक्खी को। देखकर लोमड़ी ने क्या किया? मक्खी को देखकर लोमड़ी ने क्या किया? मक्खी को देखकर लोमड़ी ने मुस्कुराने लगी, चिल्लाने लगी या घूरने लगी? यस, मुस्कुराने लगी। आपका आंसर है क्या पार्ट? आपका आंसर है क पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्वेल्थ, शेर कुछ दिनों से बीमार पड़ा था। शेर कुछ दिनों से बीमार था। दिस इज राइट और रॉन्ग? सही या गलत? गलत। शेर बीमार नहीं पड़ा था, शेर तो आराम कर रहा था जंगल में। तो ये आपका ख पार्ट है, गलत। लोमड़ी बहुत चालाक थी, सही या गलत? यस, सही। शेर ने अपने ही डैच से खुद को घायल कर लिया था। किससे घायल करा था शेर ने? पंजों से, नाखूनों से या हाथों से? शेर ने अपने आप को अपने ही पंजों से, किससे घायल करा था? अपने पंजों से घायल करा था। नाउ नेक्स्ट, शेर को बहुत मुश्किल से डैश आई। क्या आई थी शेर को बहुत मुश्किल से? क पार्ट, नींद। नींद आई थी बहुत मुश्किल से। ओके, नाउ नेक्स्ट, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? दो, तीन या चार? यस, दो। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक, जो हम लिख के प्रकट करते हैं और जो हम बोल के प्रकट करते हैं। 17, पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं? पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं? पशु पक्षी मुख से सुर निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं या बोली? बोल तो वो सकते नहीं,
सुर भी नहीं निकाल सकते, वो ध्वनि निकालते हैं। सबकी ध्वनि अलग अलग होती है, गाय अलग तरीके से बोलती है, जो कुत्ता होता है वो अलग तरीके से बोलता है, ऐसे ही सब अपनी अपनी ध्वनि निकालते हैं। ऐसे ही पशु पक्षी अपनी ध्वनि निकालते हैं, वो कोई गाना नहीं गा सकते, बट जैसे चिड़िया चहचहाती है तो वो अपनी ध्वनि निकालती है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? एक, चार या अनेक? अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपका आंसर है ग पार्ट। अंडरस्टूड। लिपि की आवश्यकता कब होती है? लिपि हम कब यूज़ करते हैं, लिखने में, बोलने में या दोनों में? लिखने में। लिपि हम किस में यूज़ करते हैं? लिखने में। भाषा के द्वारा हम अपनी डैश कहते हैं, क्या कहते हैं हम भाषा के द्वारा अपनी? विचार, बात या बोल? भाषा के द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो ये एक माध्यम है बात करने का, तो मैं अपनी बात हिंदी में बोल रही हूँ। या मेरी भाषा इंग्लिश है तो मैं आपको इंग्लिश में कुछ बोल रही हूँ, तो वो माध्यम है कि मैं अपनी बात इंग्लिश में प्रकट कर रही हूँ। ओके चिल्ड्रन, नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट क्विक रिविज़न, ओके, देन इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स हैव आर क्विक रिविज़न। कक्कू दिन भर क्या करता है? कक्कू दिन भर सोता है, रोता है, घूमता है, रोता है। कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है। कक्कू से ठिठोली करने पर वह क्या करता है? भड़कता है, हंसता है, प्रसन्न होता है। भड़कता है, कै पार्ट। कक्कू को लोग किस किस नाम से पुकारते हैं? ये हमने करेक्ट करा था, पुकारते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो आपका आंसर आएगा सक्कू, भक्कू, झक्कू, ख पार्ट। क
कक्कू अच्छा गाता है, सही या गलत? कक्कू अच्छा गाता है, गलत। ओके, आप गलत पे टिक करेंगे। कक्कू झगड़ालू लड़का है, सही, क पे टिक करेंगे। जंगल में कौन आराम कर रहा था, लोमड़ी, शेर या हाथी? शेर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाथी ने किसको प्रणाम किया? हाथी ने मक्खी को प्रणाम करा, ग पार्ट। जाला किसने बनाया था? जाला मकड़ी ने बनाया था। मक्खी को जाल में किसने फंसाया था? लोमड़ी ने फंसाया था, तो आपका ग पार्ट। मक्खी को देखकर लोमड़ी ने क्या किया? मुस्कुराने लगी, क पार्ट। शेर कुछ दिनों से बीमार पड़ा था, गलत, शेर जंगल में आराम कर रहा था। लोमड़ी बहुत चालाक थी, सही, क पार्ट। शेर ने अपने ही पंजों से खुद को घायल कर लिया था। शेर को बहुत मुश्किल से क्या आई थी? नींद आई थी। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2, 3 या 4? 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित जो हम लिख के प्रकट करते हैं, मौखिक जो हम बोल के प्रकट करते हैं। पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं? पशु पक्षी मुख से ख पट ध्वनि निकालते हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ग पार्ट। लिपि की आवश्यकता कब होती है? लिपि की आवश्यकता लिखने में होती है। 20, भाषा के द्वारा हम अपनी कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। This is the pattern what we are going to give you in your FA2. So revise these questions and do these questions properly in your notebook and learn it. Afterwards PDF will come, that question also you will do in your notebook. With solution that PDF will come, so you revise that question and do in your fair notebook and you revise for your exam. So do revision, do study at home properly what revision we are giving to you for your FA2. So children, thank you for it. Next we will continue in our PDF revision. So I will give you PDF revision with solution. So you that also do in your notebook. Okay children, bye. Thank you.